जहाँ पर आप अलायंस में हैं, जहाँ पर वोटिंग हो रही है, पहले तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे अपील करेंगे? हम उनसे ये कहना चाहेंगे कि हैदराबाद के अमन के लिए बीजेपी आरएसएस से ख़तरा है और बीजेपी आरएसएस वाले एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने इस तरह से वल्गर एग्रेसिव एक्शन करते जो आप लोग नहीं चला रहे। अगर वो काम अगर मैं करता तो तुम लोग यहाँ ठहरते भी नहीं थे, मेरे गले में सांप डालते थे। एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने इस तरह का प्रोवोकेटिव और क्या मैसेज दिया जा रहा है हैदराबाद के लिए कि बीजेपी आरएसएस हैदराबाद के अमन को ख़राब करेगी, पीस को ख़राब करेगी। मैं हैदराबाद तेलंगाना की आवाम से और ख़ास तौर से यूथ से अपील कर रहा हूँ। हैदराबाद में पिछले 15 साल से पीस रहा है, ये बीजेपी आरएसएस तेलंगाना और हैदराबाद के अमन को ख़राब करना चाहते हैं, ब्रांड हैदराबाद को बर्बाद करना चाहते हैं। तेलंगाना की पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए पीस ज़रूरी है। और ये जो कल हरकत की गई, जो आप सब लोग वीडियो देख के आप लोग नहीं चला रहे, उसको आप लोगों की आंखें बंद हैं, ये आप लोगों का बायसनेस है। ये कि एक रिलीजियस स्ट्रक्चर के सामने आरएसएस और बीजेपी वाले इस तरह का एक्शन करते, आप हैदराबाद को अमन को ख़राब करना चाहते हैं। और हैदराबाद और तेलंगाना की आवाम इनके इस हरकत को देख चुकी है कि ये लोग, इनके इंटेंशन क्या है, ये क्या फ्यूचर लाना चाहते हैं हैदराबाद और तेलंगाना में। तो मैं बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ तेलंगाना की आवाम से, हैदराबाद की आवाम से अपील करूंगा कि तेलंगाना और हैदराबाद की अमन और पीस के लिए आप लोग देखिए लोग क्या करना चाह रहे हैं और अपने एक एक वोट का सही इस्तेमाल करिए। हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम किसी स्टेट में तो तेलंगाना में है, क्यों है? अमन है यहाँ पर। और बीजेपी आरएसएस इस तरह के वल्गर एग्रेसिव प्रोवोकेटिव वीडियोस के जरिए अपने एक छोटे सियासी फायदे के लिए, नहुंगा फायदा उनको, तेलंगाना हैदराबाद की आवाम इसको कबूल नहीं करने वाली है, ये वल्गर और प्रोवोकेटिव एग्रेसिव एक्शन को। कल तक आप मेरे को गाली देते थे, अब तो गाली के साथ साथ अब तो ये भी कर रहे हैं आप, तो क्या है आपका, क्या मैसेज है, ये क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि यही नरेंद्र मोदी का सबका साथ सबका विकास है, कि यही विकसित भारत की बात बीजेपी कर रही है जो आज हम देख रहे हैं तेलंगाना हैदराबाद में? अफसोस होता है मुझे, चुनाव अपनी जगह पर है मगर चुनाव से बड़ी चीज़ हैदराबाद और तेलंगाना का अमन है, पीस है, यहाँ की ब्रदरहुड है, यहाँ की फ्रेटर्निटी है, जो आप लोग ख़राब करना चाहते हैं उसको। मुझे यकीन है कि 13 मई के दिन तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम तेलंगाना के पीस के दुश्मन के खिलाफ वोट देंगे, जो बीजेपी आरएसएस है। सर, कल तमिलनाडु में इलेक्शंस है, तो आप क्या करना चाहेंगे? आप बोल दिया, मैं यही बोल दिया मेरा तमिलनाडु में हम AIADMK की ताईद कर रहे और वहाँ के एक्स चीफ मिनिस्टर जनरल सेक्रेटरी AIADMK से मेरी बात हुई, वो कह चुके हैं कि वो बीजेपी से अलायंस में नहीं है, ना फ्यूचर में बीजेपी से अलायंस होगा और वो CAA और NPR के खिलाफ हैं। ये हमारा स्टैंड है, मगर मैं वोट डालो बोल के नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि कैनवेसिंग का टाइम खत्म हो चुका है। असित जी, जिस तरीके से माधवी लता कह रही है कि वो बहुत सेक्युलर है, और कौन माधवी लता जी कह रही है कि वो बहुत सेक्युलर है और सेक्युलर तरीके से वो वोट मांग रही है, तो आपको नहीं दिख रहा वीडियो? वो कभी तो देख लो ना, कभी तो देख के पूछो, कई कुत्ता डर रहे। अरे क्या चलाया आपने, सवाल तक पूछने, आप डर रहे सवाल पूछने को? हाँ हाँ, एडिटेड सब एडिटेड है। हाँ हाँ, आप उनके रिप्रेजेंटेटिव बने हुए हैं ना? हाँ, चलाओ आप, चलाओ। दुनिया देख चुकी है कि हैदराबाद और तेलंगाना के अमन के दुश्मन कौन है। वो एक उर्दू का शेर है, क्या शेर है वो, इधर आ सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। सर, कल जो बीजेपी के विधायक है राजा सिंह जी, वो आपको भी टारगेट किए हैं और कुछ? हाँ नहीं, टारगेट नहीं किए हैं, गाली दिए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? गाली क्या कहना चाहेंगे आप लोग, आप पूछो उनसे, गाली दे रहे हैं। ये विकसित भारत है, ये थर्ड बिगेस्ट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हम लोग,
गाली दे रहे हैं और गाली क्या क्या नहीं दे रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मगर अच्छा है कि तेलंगाना और हैदराबाद की आवाम देख रही है, इनका असली चेहरा देख रही है, इनकी जबान क्या है, किस तरह वो हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहते हैं। आप इलेक्शन कमीशन को शिकायत करेंगे इस मामले? इलेक्शन कमीशन को नहीं दिख रहा क्या? इलेक्शन कमीशन को हर चीज बोलना है क्या? इलेक्शन कमीशन सामने नहीं हो रहा क्या? मैं अगर वो बात बोलता या मैं अगर ऐसी हरकत करता तो सुमोटो सब होता था। टेररिस्ट कहा जा रहा है, गाली दी जा रही है, मुस्लिम बहनों से कहा जा रहा हिजाब निकाल कर फेंको, मुसलमानों से बोला जा रहा सऊदी अरब में ऐसा हो रहा आप क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या हो रहा है ये? सर सर जो ये वायलेंस हुआ है वेस्ट बंगाल में और बैंगलोर में, इसके आपका क्या कह रहे हैं सर? वायलेंस हुआ है तो वायलेंस का जवाब ये है कि पुलिस एक्शन ले, रूल ऑफ लॉ हो, और वायलेंस को हम कंडेम करते, मगर जो वायलेंस को प्रोवोक कर रहे, जो एक कम्युनिटी को टारगेट कर रहे, जो हैदराबाद के अमन को बर्बाद कर रहे, उनको क्या बोलेंगे आप? करेंगे सर, उनको उनके बारे में क्या बोलेंगे आप लोग? चलाएंगे आप लोग, आपके जो 6 PM 9 PM नेशनलिस्ट है चलाएंगे उसको आप लोग? नहीं चलाएंगे आप लोग। आप लोगों को खाली एक ही समुदाय दिखता गड़बड़, दूसरे जो जो लोग करते आपको नहीं दिखता, और आप लोग जो 6 PM 9 PM के नेशनलिस्ट है उनको तो खाली आंख में एक आंख बंद है उन लोगों की। एक्शन डिमांड कर रहे सर, केस बुक होना चाहिए बोल रहे हैं। जब से क्या बोल रहा हूं मैं? जी कल परमिशन नहीं था राजा सिंह जी को, उन्होंने निकाला शोभा। तो आप जाकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछिए ना, यहाँ पे CO साहब बैठते, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर बैठता, DCP से पूछिए, CP से पूछिए, हैदराबाद का कोतवाल मैं हूँ। नहीं नहीं, आप मेरे से क्यों पूछ रहे? नहीं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मैडम, आप तमाम से के जाइए, CP हैदराबाद से पूछिए, चीफ एग्जीक्यूटिव जो हमारे CO है ECI के उनसे पूछिए, कंसर्न DCP से पूछिए क्या कर रहे हैं। मैं हैदराबाद का कोतवाल हूँ। अरे आप यदि काम तो आप उनसे, आपका काम उनसे पूछिए, आप वो लोग बताएंगे।